जय माता दी। दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि का आज पहला दिन है और कंटिन्यूअसली 9 दिन हम आपसे रूबरू होंगे और हम माता के हर एक रूप के बारे में जानकारी लेंगे। 9 दिन में 9 रूप में माता का नाम और उनकी पूजा अर्चना कैसे कर सकते हो और सबसे बड़ी बात अपने सेहत को कैसे हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो इन 9 दिन माता के 9 रूप में हम अपने शरीर की ऊर्जा को प्राणायाम के थ्रू कैसे कर सकते हैं, माता के उस रूप में अपने आप को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और ऊर्जा से भरपूर रख सकते हैं। तो ये आज बात करते हैं। आज है नवरात्र का पहला दिन और नवरात्र का पहला दिन माता शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। 9 दिनों में सबसे पहले शैलपुत्री, शैलपुत्री माता यानी कि हिमालय की पुत्री। बहुत ही रोचक कहानी है इसके बारे में। माता पार्वती हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पहले दक्ष की पुत्री के नाम से सती के नाम से माता ने शिव जी को पति के रूप में धारण किया था और उस रूप में दक्ष ने जब यज्ञ किया था और सारे देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु सारे देवताओं को उस यज्ञ में आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। और माता सती शिव जी से आज्ञा लेके जाना चाहती हैं, यज्ञ में जाने के लिए जाती हैं, लेकिन शिव जी मना करते हैं कि आप नहीं जाओ वहां पे क्योंकि हमें नहीं बुलाया गया है। लेकिन माता जिद करती हैं और मोहवश जाती हैं और वहां जाने के बाद देखती हैं तो उनकी बहन और पिताजी दक्ष सब लोग उनका तिरस्कार करते हैं, शिव जी का तिरस्कार करते हैं और यज्ञ का भाग शिव जी को नहीं दे के तिरस्कार करते हैं। और जहां माता सती उसी यज्ञ कुंड में अपनी आहुति देके भस्म हो जाती हैं। और जब भगवान शिव को पता चलता है तो अपने गणों को भेज के उस यज्ञ को तहस नहस करके और महादेव एकदम विकराल रूप में हो जाते हैं। तब माता सती पुनः जन्म लेती हैं उसी ऊर्जा में हिमालय पुत्री कन्या के नाम में, जिसे शैलपुत्री माता पार्वती के नाम से जाने जाते हैं। माता शैलपुत्री हमारे शारीरिक ऊर्जा से बहुत जुड़ी हुई है। हमारे शरीर के अंदर जो पृथ्वी तत्व है वहां पे माता की ऊर्जा हमारे शरीर में काम करती है। अपनी एनर्जी को हम बहुत ही ऊर्जा से भरपूर रख सकते हैं। माता शैलपुत्री का अगर हम ध्यान करते हैं, चैंट करते हैं, तो हमारी अर्थ एलिमेंट बॉडी की बहुत ताकतवर होती है पृथ्वी तत्व। जिन किसी को भी हड्डियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड अगर तकलीफ है तो उन्हें इस 9 दिन में आज माता शैलपुत्री के नाम से थोड़ा उच्चारण करके फिर थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए। आपके बोन्स बहुत स्ट्रांग होंगे, शरीर का अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, पूरे शरीर में बहुत ऊर्जा आएगी। कैसे करना है मैं बता रहा हूं आपको। इस तरह से आपको बैठ जाना है। चीन मुद्रा में हम ऐसे जैसे बैठते हैं तो यहाँ पे हम पृथ्वी मुद्रा में बैठेंगे, यानी कि अंगूठा और रिंग फिंगर आप देख सकते हो, अंगूठे और रिंग फिंगर को आपस में इस तरह से ऐसे रखना है और आपको सिर्फ सांस पे ध्यान देना, अपने सांसों के ऊपर। और जो सांस के ऊपर ध्यान देंगे कहां से देंगे, हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र यानी कि गुदा के पास, एनस के पास, जहां पे हम जमीन पे बैठे हुए हैं, वहां पे पूरा ध्यान अपने ब्रेथ को मूलाधार चक्र पे लेके जाएंगे और मूलाधार चक्र से दोनों नासिका के बीच और दोनों नासिका से मूलाधार के पास। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, मैं बता दे रहा हूं, हम पूरा मूलाधार से सांस को ले रहे हैं and then again we are exhaling और अपने ध्यान को फिर से मूलाधार चक्र के पास नीचे लेके जा रहे हैं। फिर से मूलाधार चक्र से सांस आ रही है
और जा रही है. जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, अपने ब्रेथ को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना. शरीर के अंदर भव्य ऊर्जा का उत्थान हो चुका है. द एनर्जी इज क्रिएटेड एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ लाइक दिस. आपको पृथ्वी मुद्रा में से बैठना है और हो सके तो यू कैन चैंट ऑल्सो. शैल पुत्री नमः. शैल पुत्री नमः. या फिर आप चैंट कर सकते हो आदिशक्ति 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 नमो नमः. इस तरह से आप मन में चैंट कर सकते हैं. ऑब्जर्व योर ब्रेथ फ्रॉम मूलाधार चक्र टू द नॉस्ट्रिल एंड फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द मूलाधार चक्र. इस तरह से आप 10 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए और आपके शरीर के अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी क्रिएट होगी. और मूलाधार चक्र जो है हमारे बॉडी के अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व को दर्शाता है. तो उस पृथ्वी तत्व को दर्शाना यानी हमें जो भी बोन से हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ है, आर्थराइटिस है, या जो भी आपके कमर में बैक पेन वगैरह, व्हाटएवर पेन यू आर हैविंग, इट विल बी मिरेकुलस फॉर यू कि विद इन 15-20 मिनट्स योर बॉडी गेट एनर्जाइज और शरीर का अर्थ एलिमेंट काफी बैलेंस हो जाएगा. माता शैलपुत्री प्रथम दिन रंगों का भी हमारे ऊपर बहुत असर करता है. तो अगर आज आप ग्रे कलर के कपड़े पहनते हो तो वो भी हमारी ऊर्जा को बहुत ही बना के रखेगा. तो आप सभी को नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई हो. माता आप सभी को सेहत प्रदान करें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, अपार धन संपदा प्रदान करें. 9 दिन कंटिन्यू हम मिलेंगे सुबह 9 बजे मॉर्निंग 9 o'clock को. तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. कल फिर मिलते हैं माता के दूसरे रूप के साथ. थैंक यू सो मच. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय माता दी, जय हिंद. अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं.